हेलो प्रतीक, कैसा है? हेलो सर, मैं बढ़िया हूँ सर। बोलो, कैसे आना हुआ? सर, एक एडवाइस चाहिए थी। आप तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कमलेश्वर कंपनी के साथ हमारा काम चलता रहता है, तो वो हमें पेमेंट देते समय हमारा टैक्स कट कर देते हैं। तो ये टैक्स जो वो कट करते हैं, वो मैं कहाँ पे देख सकता हूँ? यू मीन टू से कि टीडीएस कट होता है तुम्हारा यस और सर, तुम्हें वो टीडीएस। वेरीफाई करना है? यस सर। तो सिंपल है प्रतीक, उसके लिए तुम फॉर्म 26S डाउनलोड कर लो, तुम्हें मिल जाएगा। फॉर्म 26 है। यस, ये क्या है सर? तो दोस्तों, रियल लाइफ में काफी बार ऐसा होता है कि कॉमन पर्सन को इन सब सवाल का जवाब बहुत डिफिकल्ट लगता है। इनको लगता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही रहेंगे जिनके पास शायद मुझे जाना चाहिए और अपना टैक्स क्रेडिट जानना चाहिए। बट दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड हो, आप अगर बिजनेसमैन हो, तो भी आप बहुत ही आसानी से अपना टैक्स क्रेडिट जान सकते हो बाई डाउनलोडिंग योर 26AS। 26AS को डाउनलोड करने के वैसे तो बहुत ऑप्शन है, बट सिंपल दो ऑप्शन समझाता हूं दोस्तों आपको। आप आपके नेट बैंकिंग में लॉग इन कर लो, आपको वहां पर व्यू 26AS का ऑप्शन दिख जाएगा। अगर कुछ बैंक रहते हैं जो लेफ्ट साइड टैब में दिखाते हैं, कुछ बैंक है जो ऊपर के टैब्स में दिखाते हैं आपको ये ऑप्शन। बट दोस्तों, इंटरनेट बैंकिंग से बहुत ही आसानी से आप लोग आपका 26AS देख सकते हो। बट अगर काफी लोगों को अगर मैं बात करूं तो उनके पास तो नेट बैंकिंग भी नहीं है, या हमारे में से काफी लोग ऐसे जो नेट बैंकिंग यूज नहीं करते, तो उनके लिए बहुत ही सिंपल ऑप्शन है दोस्तों। इनकम टैक्स के वेबसाइट पे जाकर वो ये 26AS देख सकते हैं। इनकम टैक्स का वेबसाइट देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इज यू हैव टू विजिट www.eportal.incometax.gov.in। ये वेबसाइट पर जब आप जाओगे तब आपको रजिस्टर नाम का एक ऑप्शन आएगा। रजिस्टर करोगे तब आपको आपका पैन नंबर एंटर करना होता है दोस्तों। जैसे ही आप पैन नंबर एंटर करोगे तो नीचे लिखा रहेगा वैलिडेट, तो वैलिडेट पे क्लिक करना पड़ेगा आपको दोस्तों। वैलिडेशन के नीचे आपको एक चीज लिखकर आएगी, कंफर्म एज इंडिविजुअल टैक्स पेयर, उस पर आपको क्लिक करना है, मतलब यस को क्लिक करना है। और एक बार आप यस को क्लिक कर दोगे तो नीचे कंटिन्यू बोलकर एक ऑप्शन रहेगा दोस्तों। कंटिन्यू को क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे चले जाओगे, जहां पर आपको लास्ट नेम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम पूछा जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, आपका जेंडर पूछा जाएगा दोस्तों, एंड आपको रेसिडेंशियल स्टेटस पूछा जाएगा जिसमें आपको क्लिक करना है नॉर्मल रेसिडेंट को। जैसे ये नॉर्मल रेसिडेंट पर आप क्लिक कर दोगे तो उसके बाद नीचे ऑप्शन रहेगा कंटिन्यू का, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना दोस्तों। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा आपका, आपका ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा, और मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस के आगे लिखा रहेगा दोस्तों कि आप वो पर्सनली यूज करते हो क्या मोबाइल, तो ऑब्वियसली आप उसको बोलोगे यस। पर्सनल के वहां पर ऑप्शंस में बहुत से ऑप्शंस होते हैं, फादर, सन वगैरह, तो आपको सेल्फ पर क्लिक करना होता है। ड्रॉप डाउन ऑप्शन में आपको सेल्फ पर क्लिक करना होता है अगर आप खुद आपका मोबाइल या ईमेल एड्रेस हैंडल करते हो तो। उसके बाद आपको आपका पोस्टल एड्रेस डालना है एंड क्लिक कंटिन्यू। वहां पे नीचे जो कंटिन्यू लिखा है दोस्तों उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके ईमेल एड्रेस पर और आपके मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का ओटीपी आएगा। 6 डिजिट का ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको एंटर करना होगा ऑफकोर्स करेक्टली, और उसके बाद क्लिक करना होगा कंटिन्यू बटन पर। जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करोगे तो वेरीफाई डिटेल्स होगा, उसमें आपको क्लिक करना है कंफर्म पर, क्योंकि वो पूरे डिटेल्स जो आपने एंटर किए वो सब आपके सामने आएंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करोगे दोस्तों तो उसके बाद आएगा सेट पासवर्ड। पासवर्ड सेट करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज है, 8 से लेकर 14 डिजिट एंड नंबर, यू नो, अल्फा न्यूमरिक पासवर्ड होगा आपका। तो ये पासवर्ड के लिए आपको एक लोअर केस, एक अपर केस, एक स्पेशल कैरेक्टर और एक नंबर कंपलसरी है दोस्तों। अपर केस मतलब कैपिटल लेटर, लोअर केस मतलब नॉर्मल अल्फाबेट्स, जो स्मॉल अल्फाबेट्स होते हैं वो, स्पेशल कैरेक्टर्स मतलब एट द रेट या अपोस्ट्रोफी वगैरह, ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स, हैश वगैरह, स्टार वगैरह, ये सब स्पेशल कैरेक्टर्स माने जाते हैं दोस्तों। तो आप 8 से 14 डिजिट एंड नंबर्स का कॉम्बिनेशन कर आपका पासवर्ड सेट कर सकते हो। कन्फर्म पासवर्ड एक और बार, यू नो, आपको वही सेम पासवर्ड डालना होगा, एंड उसके बाद सेट पर्सनल मैसेज आएगा दोस्तों। सेट पर्सनल मैसेज में आप कुछ भी लिख सकते हो, आपका पेट नेम लिख सकते हो, आपका घर का नाम लिख सकते हो, जो भी आप पर्सनली एक वर्ड डालना चाहते हो उधर वो वर्ड डाल सकते हो दोस्तों। और उसके बाद प्रोसीड टू लॉग इन वाला एक ऑप्शन रहेगा, वहां पर आपको क्लिक करना होगा। प्रोसीड टू लॉग इन क्लिक करने के बाद आपको यूजर आईडी पूछा जाएगा, तो यूजर आईडी रहेगा दोस्तों आपका पैन नंबर, एंड सिक्योर एक्सेस मैसेज पूछा जाएगा दोस्तों। तो सिक्योर मैसेज एक्सेस में ऊपर ना आपको जो भी आपने आपका पर्सनल मैसेज सेट किया था ना वो लिख कर आएगा, और राइट हैंड साइड एक बॉक्स आएगा उस पर आपको बस क्लिक करना है, जो भी आपने पर्सनल मैसेज सेट किया था, आपका पेट नेम, घर का नाम, जो भी,
वो वहां पर आपको कंफर्म करना है, जैसे आपको पूछा जाएगा सिक्योर एक्सेस मैसेज, एंड उसके बाद आपको आपका पासवर्ड जो आपने सेट किया था वो एंटर करना पड़ेगा। एंटर पासवर्ड हो गया दोस्तों। अब उसके बाद आप आपके लॉगिन में चले गए। लॉगिन में जाने के बाद ऑब्वियसली कंटिन्यू करने के बाद आप लॉगिन पे जा रहे हो। लॉगिन करने के बाद आपको ऊपर के टैब में ई फाइलिंग दिखेगा दोस्तों। ई फाइलिंग के अंदर आपको जाना है एंड वहां पर इनकम टैक्स रिटर्न दिखेगा, वहां पर आपको क्लिक करना होगा। इनकम टैक्स रिटर्न के बाद वहां पर लिखा रहेगा दोस्तों व्यू 26 ईयर्स। व्यू 26 ईयर्स के नीचे कंफर्म आपको दबाना है एंड राइट क्लिक करना है आपको आई एग्री वाला पार्ट पर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आई एग्री वाले पार्ट पर राइट क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना होगा प्रोसीड ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको नीचे आएगा व्यू टैक्स क्रेडिट, दैट इज ब्रैकेट में लिखा रहेगा फॉर्म 26 ईयर्स। व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 ईयर्स जो लिखा है दोस्तों, वहां पर आप जब क्लिक करोगे तो आपको असेसमेंट ईयर पूछा जाएगा दोस्तों। फाइनेंशियल ईयर का अगला ईयर होता है असेसमेंट ईयर। तो अगर जैसे लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर एंडेड 21-22 है तो मेरा असेसमेंट ईयर बन जाता है 22-23। तो आप जब वहां पर 22-23 को ड्रॉप डाउन ऑप्शन में सिलेक्ट कर दोगे तो उसके बाद आपको वो पूछा जाएगा व्यू एज, तो उसके अंदर ड्रॉप डाउन ऑप्शन में आपको HTML सिलेक्ट करना है, व्यू एज HTML। एंड एक बार ये क्लिक कर दोगे तो उसके बाद आपको व्यू ऑब्लिक डाउनलोड 26 ईयर्स का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप उसे क्लिक कर दोगे तो आपका 26 ईयर्स स्क्रीन पर रेडी हो जाएगा। बट अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हो, आपके कंप्यूटर में सेव करना चाहते हो, तो डेफिनेटली वो भी ऑप्शन है आपके पास। बिल्कुल बाजू में लिखा रहेगा एक्सपोर्ट एज PDF। जैसे आप एक्सपोर्ट एज PDF दबा देते हो तो आपका 26 ईयर्स माने के पूरे TDS डिडक्टेड जानकारी आपके कंप्यूटर पर डाउनलोडेड रहेगी, जिससे आप क्लियरली वेरीफाई कर सकते हो। प्रतीक जैसे इंडिविजुअल से लेकर बड़े बिजनेसमैन तक हर कोई वेरीफाई कर सकता है कि उनके बिजनेस में TDS आखिर कितना कट हुआ है। सिर्फ 26 ईयर्स TDS नहीं दिखाता है दोस्तों, बहुत सी जानकारी दिखाता है, बट आज का ये मुद्दा TDS तक ही रिस्ट्रिक्टेड था। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई होंगी दोस्तों तो जरूर दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप और इनकम टैक्स के बारे में मुझसे क्या जानना चाहते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर मोर सच वीडियो। कीप फॉलोइंग अस।